हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल्स पावर मैथ्स क्लासेस। टुडे वी स्टडी नाउ चैप्टर्स नंबर 4 डिटरमिनेंट्स। जैसे कि आप जानते हैं कि बेटा हम डिटरमिनेंट चैप्टर से स्टडी कर रहे हैं, जिसमें अब तक हमारे कई लेक्चर हो चुके हैं और आज हम फिर से आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आए हैं जिनको आपको सॉल्व करना है और समझना है। इसी के अकॉर्डिंग हम अदर क्वेश्चनों के पार्ट भी कर सकते हैं। तो बेटा कोई भी क्वेश्चंस जो मैं आपको आपके अपने चैनल पे भेजता हूँ तो आप उसको अच्छे से देखें, वॉच करें, लाइक करें और शेयर करें बेटा, और इन क्वेश्चंस को अच्छे से समझें और समझने के बाद उसी टाइप्स के अदर क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करें। तो आज हम ऐसे ही फिर कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, जिन्हें आपको सॉल्व करना सीखना है। ये क्वेश्चन है आपका, यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ द डिटर्मिनेट्स एंड प्रूव दैट। इस बार ये डिटर्मिनेट्स के अंदर ये वैल्यू दी हुई है, जिसके अंदर ए फर्स्ट कॉलम में ए बी ए एक्स प्लस बी वाई, बी सी बी एक्स प्लस सी वाई सेकेंड कॉलम ऑफ एलिमेंट्स की वैल्यू दी हुई है, ए एक्स प्लस बी वाई बी एक्स प्लस सी वाई और जीरो, ये आपका थर्ड कॉलम है ऑफ एलिमेंट्स है, जिसको डिटरमिनेट्स की वैल्यू में इक्वल टू प्रूव किसके करना है, बी स्क्वायर माइनस ए सी अदर ब्रैकेट ए एक्स स्क्वायर प्लस टू बी एक्स वाई प्लस सी वाई स्क्वायर के इक्वल टू प्रूव करना है। तो बेटा सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम इसकी जो लेफ्ट हैंड फॉर्म है, इस फॉर्म को हम नीचे नोट डाउन कर लेते हैं कि ये इसकी लेफ्ट हैंड है, एल एच एस है, और फिर हम इसको इसके अकॉर्डिंग इसकी कॉलम एंड रो के अकॉर्डिंग इसे अरेंज करते हैं, इसमें ऑपरेट करते हैं, और ऑपरेट करने के बाद फिर हम इसकी वैल्यू को एक्सपेंडेड टू रो या कॉलम वाइज इसकी वैल्यू निकाल के इसे सॉल्व करेंगे। तो बेटा इसके लिए इसकी जो लेफ्ट हैंड पोर्शन है ये है, अब हम इसकी डिटरमिनेंट ऑफ वैल्यू को फाइंड आउट कर रहे हैं, ये हमें फाइंड करना है और इसको इसके इक्वल प्रूव करना है। अब आप क्या देख रहे हैं बेटा, यदि आपके पास ये है, सपोज दैट आपको ए एक्स प्लस बी वाई ऑफ फॉर्मेशन देख रहे हैं, तो यदि मैं इसकी फर्स्ट रो में एक्स की मल्टीप्लाई कर दूँ और सेकेंड रो में मैं मल्टीप्लाई बाय वाई की कर दूं और इनको दोनों को एडिट करके इसमें से लेस देन कर दूं, तो शायद ये फॉर्मेशन हमारी इस टाइप की बन जाए। तो हम क्या करते हैं, इसे ऑपरेटेड करते हैं, तो ऑपरेट कर लेते हैं बेटा। जब हम ऑपरेटेड करेंगे तो ऑपरेट आपके पास जो रो थ्री है, रो थ्री को आपने किस में रेड्यूसिस कर दिया, रो थ्री में से आपने एक्स टाइम ऑफ एक्स की मल्टीप्लाई रो वन में करके और रो टू में आपने वाई की मल्टीप्लाई कर ली, रो वन में एक्स और रो टू में वाई की मल्टीप्लाई करके इन दोनों को ऐड करके रो थ्री में से क्या कर दिया बेटा, माइनस कर दिया। तो माइनस करने पे इसकी क्या वैल्यू आ जाएगी डिटरमिनेंट के अंदर, ये डिटरमिनेशन साइन हो गया, आपकी जो फर्स्ट ऑफ रिजल्टेंट है वो तो आपके ऐसे ही रहे, ये भी ए ऐसे रह जाएगा, बी बी सी ए एक्स प्लस बी वाई और ये क्या है बी एक्स प्लस सी वाई वाई, बिकॉज क्योंकि आप रो वन और रो टू को चेंज नहीं कर रहे हैं, आप रिप्लेस कर रहे हैं तो रो थ्री को कर रहे हैं। आपने क्या करा, जब इसमें x की मल्टीप्लाई करी इसमें y की और इसे ऐड करके इसमें से माइनस करा, तो यही टर्म क्या होगी, ये तो जीरो होगी, ये तो रिजल्टेंट जीरो हो गया, और जब आपने इसे ऐसे में इसमें किया तो ये भी क्या हो गया जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया। यहाँ पे मल्टीप्लाई होने के बाद क्या आया, माइनस ब्रैकेट में ए एक्स स्क्वायर प्लस टू बी एक्स वाई, टू बी एक्स वाई प्लस सी वाई स्क्वायर, सी वाई स्क्वायर, ये आपका रिजल्टेंट बचा ए एक्स स्क्वायर प्लस टू बी एक्स वाई प्लस सी वाई स्क्वायर, कब, जब आप इसमें मल्टीप्लाई एक्स की कर रहे हैं और इसमें वाई की कर रहे हैं, क्योंकि आपने लिखा है एक्स रो वन प्लस वाई रो वन को दोनों का एडिशन करके रो थ्री में से करा ना इसमें, तो ये रिजल्टेंट आ जाएगा, जीरो में से ये लेस देन करेंगे तो ये माइनस करा जाएगा। अब आप इसकी वैल्यू को इवोल्यूटेड कर रहे हैं, जब आप इस वैल्यू को इवोल्यूटेड करेंगे तो दिस इम्प्लाइज, देखो इसके लिए आप लास्ट एंड रो थर्ड के लिए इसे एक्सपेंडेड कर रहे हैं, तो इसके लिए ये भी पूरी ट्रांजिशन जीरो, इसके लिए भी तो वैल्यू बचेगी सिर्फ इसके लिए, तो ये रिजल्टेंट रह जाएगा, तो माइनस, और रिजल्टेंट में जब ये माइनस क्वांटिटी रिजल्टेंट हुई तो माइनस कितना हुआ ए एक्स स्क्वायर प्लस टू बी एक्स वाई प्लस सी वाई स्क्वायर, और इसके थर्ड रो में जो एलिमिनेशन ये होता है ये क्या होता है पॉजिटिव, तो डिटरमिनेंट के अंदर क्या रिजल्टेंट रह गया, सिर्फ ये वाला पोर्शन रह गया आपका ए बी, ए बी और बी सी, इसकी वैल्यू आप फाइंड आउट कर लेंगे बाई क्रॉस मल्टीप्लाई करके, जब आप इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बी की मल्टीप्लाई किस में, ए की सी में हुई, बी की बी में हुई, तो माइनस आउट ऑफ साइनेशन है, तो ये क्या रह जाएगा आपके लिए, क्योंकि एक्सपेंडिंग टू अलोंग टू, आपने से किसे अलोंग करा, ये एक्सपेंडेड करा अलोंग रो थर्ड, आपने बेटे से रो थ्री के अकॉर्डिंग से एक्सपेंड करा, ये जो रो थर्ड है इसके अकॉर्डिंग तो एक्सपेंड किया, तो इसकी जो वैल्यू आ गई वो कितना आ गई, बी स्क्वायर माइनस ए सी, जब अंदर माइनस के साइन को आप कंटेन करें, और अदरवाइज ए एक्स स्क्वायर प्लस टू बी एक्स वाई प्लस सी वाई स्क्वायर। अब आप सोच रहे होंगे ये प्लस का पॉजिटिव कैसे है, ये तो ए सी माइनस बी स्क्वायर आता है, लेकिन बेटा ये माइनस का भी तो साइन है, इस माइनस की जब आप इसके रिजल्टेंट में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये तो पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, तो इसलिए क्या आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए सी, और ये तो हमें प्रूव करना है, तो यह स्टेटमेंट आपका प्रूव हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ द डिटर्मिनेंट्स, और हमें इसमें इसकी प्रॉपर्टी की डिटर्मिनेंट प्रॉपर्टी के बेसिस को शो करना है। क्या है डिटर्मिनेंट? वन एक्स स्क्वायर एक्स, एक्स वन एक्स स्क्वायर एक्स और वन, ये आपके कॉलम वन कॉलम टू और कॉलम थ्री के अकॉर्डिंग इनके एलिमेंट्स दिए हुए हैं, और हमें से इसके किसके इक्वल प्रूव करना है, वन माइनस एक्स की क्यूब की होल पावर टू के इक्वल प्रूव करना है। सबसे पहले हम इसके लेफ्ट हैंड साइड को टेक करते हैं, जो भी इसका एल एच एस पोर्सन डिटर्मिनेट के अंदर दिया है। तो डिटर्मिनेशन इज इक्वल टू, डिटर्मिनेशन में फर्स्ट में इसके दिए हैं वन एक्स स्क्वायर एक्स, एक्स वन एक्स स्क्वायर और कॉलम थर्ड एलिमेंट एक्स स्क्वायर एक्स और वन। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हम ये देख रहे हैं कि हमें इस फॉर्म में इसको कंटेन करना है, तो हमें इसे इस तरह से अरेंज करना है कि जिसके अकॉर्डिंग, तो हम इसे ऑपरेटेड कर लेते हैं। जब हम इस प्रॉपर्टी में से ऑपरेट कर रहे हैं तो हमने क्या करा बेटा, हमने जो आपकी थर्ड रो है, रो थर्ड है, इस रो थ्री में से माइनस कर दिया आपने एक्स रो वन। यदि मैं इस रो थर्ड में से फर्स्ट वाली जो नंबर है इसमें एक्स की मल्टीप्लाई करके इसे माइनस कर देता हूँ तो क्या रिजल्टेंट आ जाएगा? दिस इंप्लाइज डिटर्मिनेशन के अंदर इसकी वैल्यू को ऑपरेटेड करने के बाद ये रिजल्टेंट हो गया आपके पास वन एक्स स्क्वायर एक्स वन एक्स स्क्वायर एक्स। बेटा ये तो अनचेंज रहेंगे, इन्हें आप पहले सेम है जैसे लिख दीजिए, वन एक्स स्क्वायर वन एक्स, ये तो आपके दोनों ऐसे रही। अब इसमें मल्टीप्लाई करके लेस देन किया तो पहली फर्स्ट ऑमिशन क्या होगी, जीरो। इसमें मल्टीप्लाई करके रिजल्टेंट किया तो ये कितना आ गया, जीरो, और ये कितना आ गया, वन माइनस एक्स की क्यूब, क्योंकि एक्स की मल्टीप्लाई इसमें करिए और वन में से लेस देन का तो वन माइनस एक्स की क्यूब होगी। अब आप जब इसकी वैल्यू निकाल रहे हैं और अकॉर्डिंग टू एक्सपेंडेड कर रहे हैं, एक्सपेंड किसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं, रो थर्ड के अकॉर्डिंग एक्सपेंडिंग एलोंग रो थर्ड, रो थर्ड के अकॉर्डिंग आप इसे एक्सपेंडेड कर रहे हैं, तो ये तो इसके लिए एलिमिनेशन जीरो हो जाएगा, इसके लिए भी एलिमिनेशन जीरो हो जाएगा, बचेगा क्या, वन माइनस एक्स की पावर थ्री के लिए, तो वन माइनस एक्स की रियलाइज पावर थ्री के लिए ये बचा। और डिटर्मिनेंट के अंदर ये वैल्यू ये पॉजिटिव ही रहेगी, लेकिन वैल्यू किस पर डिपेंड करेगी, वन एक्स स्क्वायर एक्स और वन पे। अब मैं इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेता हूँ, तो इसकी वैल्यू का रिजल्ट ये वन माइनस एक्स की क्यूब, ये तो ऐसे ही रहा सेम एज, वन इंटू वन वन रहा, और इसके इसमें मल्टीप्लाई करी तो ये भी वन माइनस एक्स की क्या आ जाएगा, क्यूब आ जाएगा। दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं तो वन माइनस एक्स की क्यूब का क्या हो गया बेटा, होल स्क्वायर, और हमें यही तो प्रूव करना था, वन माइनस एक्स की क्यूब, तो ये आपका क्या हो गया, रिजल्टेंट प्रूव हो गया। इस टाइप से हम इन क्वेश्चनों को सोल्व कर लेते हैं, क्योंकि जब हम इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालें तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये इसका रिजल्टेंट आ जाएगा। तो बेटा इस तरीके से क्वेश्चन को आप सोल्व करते हैं, ये आपके डिटर्मिनेंट निकालने का तरीका होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टडी करेंगे किस तरीके से माइनर और कोफैक्टर्स किसी भी डिटर्मिनेंट के फाइंड आउट किए जाते हैं मैट्रिक्स से।